प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे 17 मई को मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में एक साथ एक मंच पर हुंकार भरने वाले हैं। 17 मई को शिवाजी पार्क में एनडीए की तरफ से विराट जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें दोनों नेता एक साथ मंच साझा करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि पांचवें चरण के लिए 20 मई को मतदान होना है। इस चरण में महाराष्ट्र की 13 सीटों पर वोटिंग होगी। यह महाराष्ट्र का आखिरी चरण का मतदान होगा, जिसमें से मुंबई की कुल 6 सीटों पर वोटिंग होगी। इन्हीं 6 सीटों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 मई को चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने इसी मैदान से भारतीय जनता पार्टी को बिना किसी शर्त के लोकसभा चुनाव में समर्थन देने का ऐलान किया था। इस मैदान के लिए मनसे और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे दोनों ही पार्टियों ने बीएमसी में आवेदन किया था, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का आवेदन पहले मिलने के कारण मुंबई महानगर पालिका ने इस मैदान में सभा करने की इजाजत मनसे को दी है। वहीं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के नेता और प्रत्याशी अनिल देसाई ने कहा कि हमारी भी रैली 17 तारीख को ही होगी, जिसमें इंडिया गठबंधन से जुड़े सभी नेता शामिल होंगे। बीएमसी को सबसे पहले हमने आवेदन दिया था। 17 तारीख को जो हमने अर्जी लगाई थी शिवाजी पार्क के लिए, ये अंतिम सभा रहती है सभी पार्टीज के, महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन की जो सभा थी उसके लिए थी। उद्धव जी के नेतृत्व में, शरद चंद्र पवार जी के नेतृत्व में, नाना पटोले, बाला साहेब थोरात, दिल्ली से उनके अगर कोई नेतागण आने वाले हो तो वो सब, और समविचारी पक्ष आप है, समाजवादी है, बाकी पार्टीज है, आरपीआई ए वगैरह से सब लोग साथ में हैं, उनके साथ में ये हमारी सभा होने वाली है। और इसके लिए जब अर्जी दी गई तब बीएमसी का इन्वर्ट या बीएमसी ने उस तरह की बातें नहीं रखी, इसके पहले किसका आया था, अगर आया होता तो उसी वक्त वो बता देते अफसर कि भाई इससे पहले आपका आया है ये देखिए। तो जाहिर हमारा अर्ज लगा हुआ था, अर्जी पहले थी, लेकिन ये हर बार इस तरह की बातें करना, ये एक इससे कुछ पोलराइजेशन करो, इससे कुछ हम लोग अपने इससे वो कुछ बातें कहें, कुछ हमारा गुस्सा दिखाएं, या कुछ ऐसी चीज़ें वो चाहते हैं जो होने वाली नहीं है। क्योंकि आपने अब कुछ भी किया, लोगों ने ये तय किया है कि आपके यहाँ पे बदलाव जरूर आएगा। अब ये सैलाब को वो नहीं रोक सकते, वो उनको पता भी चला है। तो अब ये सब चीज़ें बच्चों जैसी करने की हरकतें, लोग इसका जवाब 20 तारीख के चुनाव में मोहर उठाकर दिखाएं।